हे व्हाट्सएप, तो फिर कैसे हैं आप? हमेशा की तरह फिर से और एक बार स्वागत करता हूँ आपको आज का इस कमाल का वीडियो में। आज ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद मिला मुझे ऑफ और मैं सोचा क्यों ना आज कहीं पे विजिट किया जाए, इसी वजह से निकल चुका हूँ तुमसे। कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या होने वाला है, सारा चीज आपको वीडियो में दिख जाएगा आगे। मैं सारा का सारा चीज आपका साथ शेयर करूंगा अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचने का बाद। तो फाइनली अभी आके पहुंच चुका हूँ DMCC पे और इस वक्त मैं आपका साथ में और कुछ नया चीज शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको बहुत ही मजा आएगा। यहाँ पे कुछ काम की वजह से अपना ऑफिस पे आया था और ऑफिस से जो व्यू दिखता है आउटसाइड का, भाई साहब कसम से इससे बेहतर व्यू इतना टॉप से मैं अपना पूरा होल लाइफ पे नहीं देखा। और इस बिल्डिंग का लिफ्ट का जो स्पीड है भाई साहब कसम से यार, आंखों का पलक फेंकने से पहले जा रहा है तो मजा काफी ज्यादा आ रहा है। सो चलो, अभी ऑफिस से तो निकल चुका हूँ, अभी जाने वाला हूँ और कुछ नया प्लेस पे, वो सारा का सारा चीज भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ का जो व्यू है भाई साहब कसम से यार, मुझे तो प्यार हो गया इस व्यू से, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से वापस ही ना जाओ। अभी तो जाने वाला हूँ वही जगह पे, जो जगह पे जाने के लिए मैं इस प्लेस पे आया हूँ। आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? दुबई का सिंगापुर में जाता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में जस्ट, और आपको भी मैं दिखाऊंगा और काफी सारा चीज। और मेरा साथ में मैं आज जो दोस्त को लेके आया हूँ उसका साथ में भी मैं आपको मिलाता हूँ। ये रहा वो भाई, जरा हाई कर दे। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. So finally, अभी आके पहुंच चुका हूँ DMCC मेट्रो स्टेशन के एग्जैक्ट सामने, और यहाँ से पीछे का जो व्यू, जो नज़ारा देखने को मिलता है भाई साहब, जस्ट लुक एट दिस व्यू। आई रियली जस्ट डोंट हैव एनी वर्ड टू से यार, कसम से इतना प्यारा व्यू देखने के बाद मैं तो अपना लैंग्वेज ही खो बैठा हूँ, मैं क्या बताऊँ। वक्त मैं खड़ा हूँ DMCC मेट्रो स्टेशन के स्काईवे के ऊपर, और यहाँ से शेख जायद रोड का जो व्यू है भाई साहब कसम से यार, मेरा पीछे ही शायद आप देख पा रहे हो, रुको आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे देखो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो अगर आप इस जगह पे आया तो JLT और DMCC दोनों एक ही जगह है, कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो उसी टाइम यहाँ पे आके मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ आप अगर कंफ्यूज हो जाओ, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। और यहाँ से दुबई का ट्राम लाइन शुरुआत हुआ। फिलहाल अभी मुझे ट्राम पे तो जाना नहीं है क्योंकि मेरा पास टाइम थोड़ा कम है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा बहुत ही जल्दी, नहीं तो मैं आज यहाँ पे ज़रूर जाता। सो मैं यहाँ पे विजिट करने का मेरा मेन मकसद है दुबई का अंदर सिंगापुर का फील लेने के लिए। सो चलो सबसे पहले मैं सिंगापुर जाता हूँ, सिंगापुर पे जाके मिलता हूँ मैं सीधा आपका साथ। अभी दोपहर का 2 बज चुका है, सो भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुका है और रमजान का टाइम चल रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा,
देखता हूँ, चलो फिर। और अभी जो जगह पर आके मैं पहुंचा हूँ, मेरा पीछे जो प्लेस है यार, कसम से मैं क्या बताऊँ, मुझे यहाँ पे आने का बाद सिंगापुर का फीलिंग्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप भी आओगे, आपका भी दिल से सिंगापुर का नाम डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा एक सेकंड के लिए भी नहीं लग रहा है ये मैं दुबई पे हूँ या सिंगापुर पे हूँ, क्योंकि इतना ज़बरदस्त व्यू, इतना ज़बरदस्त व्यू यार, कसम से मैं अपना लाइफ पे नहीं देखा। आपने ये सारा चीज़, ये सारा बोर्ड आप देख ही पा रहे हो। आपने अगर मेरा ये वाला ब्लॉग देखा तो शायद आपको ज़रूर याद होगा, ये ऐसे ही एक यॉट में मैंने गया था। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये बिल्डिंग्स का एग्जैक्ट उस तरफ है जेबीआर, यानी कि जुमेरा बीच। और मेरा पीछे का ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो ना, ये फ्लाईओवर कसम से इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, काफ़ी सारा बॉलीवुड का शूटिंग, काफ़ी सारा टॉलीवुड का शूटिंग, यानी कि इंडियन मूवी, काफ़ी सारा मूवी का शूटिंग इस प्लेस पे हुआ। और भी काफ़ी सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आई होप आपको बहुत ही मजा आएगा। Are you guys ready? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इतना जल्दी से बनता है ना, मतलब कोई भी बिल्डिंग्स बनने के लिए आप रात को एक चीज़ देखोगे, सुबह आओगे दूसरा चीज़ देखोगे। लास्ट टाइम मैंने आज से 6 महीना पहले जब आया था, उसी टाइम ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये जगह पर पूरा ऊपर से शेड बना हुआ था, ये बिल्डिंग्स जो है इसमें कंस्ट्रक्शन का काम रनिंग था। लेकिन इस वक्त आप देख ही रहे हो, ये ऑलमोस्ट 50 माला का बिल्डिंग होगा, तो 50 फ्लोर का बिल्डिंग अभी जस्ट 6 महीना में कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आप समझ ही रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे कितना फास्ट होता है, कितना फास्ट यार। हेड्स ऑफ वो लोगों को जो लोग दिन रात इतना मेहनत करके इतना बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाता है, और दुबई को, दुबई का ग्राफ को ये लेवल से लेकर यार तक पहुँचा दिया, आसमान छूने वाला बिल्डिंग बना दिया, हेड्स ऑफ यार ब्रदर। और एक कमाल का चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को इस वीडियो पर इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाने वाला हूँ, आई होप उस वीडियो पे भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यॉट बाई करके आप घूमना चाहते हो तो फिर आप यहाँ से आके आराम से यॉट बुक कर सकते हो, जो कि काफी चीपेस्ट प्राइस में मिलेगा और काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार चीज है। सो गाइस, ये पीछे का जो 2 यॉट है, काफ़ी कमाल का यॉट है और काफ़ी बड़ा यॉट भी है। आप अगर नाइट में पूरा मरीना का व्यू ये यॉट का साथ लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे तो आपको एक बार ज़रूर आना पड़ेगा। और ये पीछे का व्यू कसम से यार बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत। लास्ट पार्टी का बात मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ का पीछे का ये जो रेस्टोरेंट वाला बोर्ड देख रहे हो आप, रेस्टोरेंट वाला यॉट देख रहे हो, इसमें एक मैक्सिमम 95, 65, 75 से स्टार्टिंग है। काफ़ी कमाल का चीज़ है, इसमें आप डिनर का मज़ा ले सकते हो, वो भी समुंदर का बीच में। बस इतना ही था आज के लिए, ये एक छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपका साथ बहुत ही जल्दी और एक कमाल का वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।